वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल एस एम इन सक्सेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हरियाणा में जो महिला पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी कट ऑफ के बारे में आपको बताएंगे। कट ऑफ क्या जा सकती है, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, तो देखते हैं एक बार वीडियो को। थोड़े फैक्ट्स हम जो कट ऑफ है थोड़ा फैक्ट के अकॉर्डिंग आपको बताएंगे, तो एक बार देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं जो वैकेंसीज हैं जीडी में, जो कैटेगरी नंबर 2 है, और उसमें वैकेंसीज हैं कितनी हमारी, 1100 जो पोस्टें हैं, 1100 जो पोस्टें हैं जिन पर एग्ज़ाम लिया गया था। और आपको पता है एग्ज़ाम जो हुआ था 3 शिफ्टों में, 2 दिन अलग अलग एग्ज़ाम हुआ था। देखिए, जैसा कि मेंशन है जो हमारी नोटिफिकेशन आई थी उसमें, कि जो हमारा PST होगा उसके लिए जो 7 times, ठीक है, जो सीट हैं, जो वैकेंसी हैं 1100 वैकेंसी हैं, उनके 7 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो मतलब जो है PST के लिए लगभग 7700 महिला कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। पहली बात हमको ये, हमने ये ध्यान में रखी है वीडियो बनाते हुए, कि जो स्टूडेंट हैं जिनका नाम आ सकता है PST के लिए वो कितने होंगे, मैक्सिमम 7700। तो अभी ये एक पोल है जो हमने लिया है YouTube से, तो इसमें जो मोस्टली है, देखिए यहाँ पे बच्चों के जो मार्क्स हैं यहाँ पर आए हुए हैं मोस्टली, ये लगभग 6000 जो वोट है उसके अकॉर्डिंग, तो हम एक्सपेक्टेड यहाँ पे लेके चल रहे हैं लगभग 50% बच्चे ऐसे हैं जिनके जो मार्क्स हैं वो कहाँ पर फॉल कर रहे हैं, 55 के आसपास फॉल कर रहे हैं। तो इसी के आधार पर हमने अपना कट ऑफ बनाया है, और ये कट ऑफ रहेगा आपका रिटन टेस्ट क्वालिफाइड करने का, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें, तो जनरल कैटेगरी में कट ऑफ हम कहाँ पे देख रहे हैं, देखिए ये किसके लिए है, जो आपका नॉलेज टेस्ट है, ठीक है, उसके क्वालिफाइड होने के लिए ये कट ऑफ बताई जा रही है। तो जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ रह सकती है वो हमारी 52 से 57 के बीच में रहेगी। देखिए, जो आउट ऑफ 100 जो मार्क्स आएंगे, जिसमें 1 question आप जो सोच रहे हैं 0.8 का है, तो यहाँ पर मैं क्वेश्चनों के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पर रह सकता है, जो मार्क्स बनेंगे जो आपके 52 और 57 के बीच में, आपकी कट ऑफ यहाँ पे देखने को मिल सकती है अभी जनरल कैटेगरी के लिए। अगर हम बात की जाए आगे EWS के लिए, मैं बात करता हूँ आपसे, अगर EWS की बात करें तो इस कैटेगरी के अंदर जो मार्क्स रह सकते हैं वो 49 से 55 के मध्य हम देख सकते हैं, जो आपकी क्या रहेगी, क्वालिफाइड रहेगी, जो नॉलेज टेस्ट को क्वालिफाइड करने की कट ऑफ रहेगी वो, ठीक है। हम फाइनल कट ऑफ के बारे में नहीं बता रहे हैं यहाँ पे, ओके। वो तभी अच्छे से बताया जा सकता है जब एक बार आप अपना जो फिजिकल टेस्ट है उसे क्लियर कर लें, ठीक है। उसके बाद जो सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो मार्क्स लगेंगे वो अलग रहेंगे भाई, ठीक है। तो वो जब तक एक बार लिस्ट नहीं आती है उसके अकॉर्डिंग ही हम बता पाएंगे। तो BCA की बात की जाए तो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो हमने, हमारी टीम ने बनाई है, उसके बारे में बताएं तो वो हम जो देख रहे हैं वो जो पैटर्न रहेगा वो 50 से 55 के बीच हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, मोर देन 50% स्टूडेंट्स तो एग्ज़ाम देने आए ही नहीं थे, सेंटर बहुत दूर दूर थे, ओके। तो बहुत से बच्चों ने एग्ज़ाम भी नहीं दिया है, जितने फॉर्म फिल किए गए हैं उसके हाफ ही बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, ओके। तो इस क्राइटेरिया से यही लग रहा है कि अगर आपके BCA कैटेगरी में 50 या 55 के आसपास बन रहे हैं तो आप इजीली इसको क्वालिफाइड कर पाएंगे। और बात की जाए अगर BCB की, BCB में हमारा जो रहेगा 51 टू 56 के आसपास हम इसको देख रहे हैं भाई, यहाँ पे जो कैटेगरी रहेगी, ये जो कैटेगरी में जो मार्क्स हम बता रहे हैं ये ±2 दोनों तरफ हो सकते हैं भाई, ठीक है, क्योंकि ये हमारा एक जनरल अप्रोक्सीमेशन है, इसमें दो इधर इधर तो नहीं जाएगा। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ 56 जो है हाई एंड नीचे की बात करता हूँ तो -2 इस कैटेगरी में देखने को मिल सकता है। अगर बात की जाए यहाँ पे SC की, तो SC का जो रहेगा क्वालिफाइड जो रिटर्न मार्क्स का रहेगा, ठीक है, वो हमारा रह रहा है यहाँ पे 46 और 50 के बीच आपका इजली यहाँ पे क्वालिफाइड हो जाना चाहिए। देखिए, ये एक जो जर्नल जो वोटिंग आप लोगों के द्वारा दी गई है उसके आधार पर ये बनाई गई, जो ये कट ऑफ है, ये जो आप लोगों ने हमें मार्क्स बताए हैं उसके आधार पर हमने बनाया है। बाकी इसमें 1-2 नंबर का जो है ±2 दोनों तरफ हो सकता है, ठीक है। ये आउट ऑफ आपके जो क्वेश्चंस हैं 100 में से, उनमें से ये चीज़ बनाई गई है अभी। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट है तो आप उसके लिए यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आपके जो भी क्वेरी होगी उसका रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। थैंक यू सो मच।